मैं यूट्यूबर नंबर वन, ट्रेलर देख रहे हम कुली नंबर वन। ओ यार ये तो जुगलबंदी बन गई यार। Welcome to my YouTube channel. My name is Ishan Sethi, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. 100 minutes baad ghanti dikh rahi hai, bahut zyada sa we can get connected and you don't miss any video from my side. तो आज ये ट्रेलर आया है सुबह सुबह, आप लोगों ने मुझे कल ही बता दिया था, आप में से बहुत से लोगों ने बोला था तो मैं इसको मिस नहीं कर सकता था। तो खेसारी लाल यादव जी का ये ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर है कुली नंबर वन। बॉलीवुड में कुली नंबर वन आई थी जिसमें गोविंदा थे, बहुत अमेजिंग, बहुत कॉमेडी टाइप मूवी थी वो। ये पता नहीं किस टाइप की मूवी होगी, कॉमेडी होगी या फिर एक्शन होगा, ये क्या होगा। तो जल्दी जल्दी ट्रेलर देखते हैं और फिर उसके बारे में करते हैं बात। लेट्स गो देन। माँ की दुआ कभी ढाली नहीं जाती। सही बात। माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक माँ मेहनत मजदूरी बर्तन माँच के चार बच्चों का पेट पाल लेती है, लेकिन आज के डेट में चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। सही बात। हमारा किस्मत में उस सौभाग्य नहीं। कुछ करो भैया, वृद्धाश्रम ना बच्ची। आज से ये वृद्धाश्रम की परेशानी हमारे पास। राजा अपना माई बाबू जी के देवी देवता ने इनको जत रहा। बेटा जितना स्मार्ट होगा ना आपकी जिंदगी उतना जवान हो। आज लगत भर हमारा बेटा अपना पैर पे खड़ा हो गया। तो मुसलमान हुआ जब इस वक्त हिंदू को और मुसलमान को दिल वालों के लिए दयावान हूँ और दरिंदों के लिए समझा। राजा के अपने हुस्न के जाल में फंसा के करोड़ों रुपया हथिया ले। तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल, तू तो वीडियो बना के कर देगी वायरल। तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल, तू तो वीडियो बना के कर देगी वायरल। चार दिन के प्यार खाती जन्म दे बोला माई बाप के तो के छोड़ के ना भागे की चीज। अमार बेटा राजदेव, तू खुदा के सबसे नेक बंदा वाला। हमके तो हर दिल में रहे के बाद। अच्छी लग रहा है। बहुत सीरियस बना है। हम एगो लड़की से प्यार करें और ओकरे से ब्याह कर चाहते हैं। चला राजेश्वरी तो के पास जा तो दे हमको का अपना पसंद से शादी करे के ओकर हक नहीं खे। अगर पूरा दुनिया हमसे मुंह मोड़ ली ना तो हमके कौनो गम नहीं। लेकिन हुआ अगर हमसे बात ना करब ना तो हम मर जाए बहुत। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तुम्हारी खुशियों में ऐसी आग लगेगी जो तुम कभी बुझा नहीं पाओगे। वो अच्छे के दिन बारे खास सफल भइल परियास हम तो प्यारी की परी इच्छा में हो गई मी पास। मेहनत के फल अब देखवले आसार बा ओढ़नी के रंग हरी यार बा लगे लाइन की यार बा ओढ़नी के रंग हरी यार बा लगे लाइन की यार बा। दुनिया में जेकर केहू नहीं थे ओकर सहारा बने। अब यही हमर घर और यहाँ के लोग बाग हमर परिवार। बेटा से पढ़ के बड़ा बेटा प्रॉपर्टी का कागज कहाँ बा? अरे हमारे बेटा विभूति सिंह हमारे पुरखों के प्रॉपर्टी के बेच के अयासी के अड्डा बढ़ावे के चाहत बा। बड़ों का सम्मान, इंसानियत को ना बदनाम कर। अगर
बड़े बुजुर्गों को सताएगा तो नरक में भी जगह नहीं पाएगा। सही बात। अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले मतलब इसमें कूली नाम के वो मुझे समझ नहीं आया, ये कूली वाला है या नहीं, क्योंकि इसमें कूली से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, तो मुझे लगा था कि यार ट्रेन या बस में कहीं पे कूली वूली होगा, वहाँ के कुछ रिलेटेड कहानी होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी थी। जब ट्रेलर शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये पिक्चर में ही अनाथ है, फिर उसके बाद लगा नहीं इसके पापा हैं, लेकिन इसकी मम्मी शायद नहीं है, इसलिए इसको अपनी माँ से प्यार है, इसलिए वृद्ध आश्रम जाता है। लेकिन हाँ बाद में पता चलता है कि बीच में कहीं पे भी मूवी में उसके माँ बाप मर जाते, हीरोइन के साथ भी थोड़ा बहुत उसका वो चल रहा है, समझ नहीं आ रहा हीरोइन सही है या गलत है, एक लड़की और है जो उसके पैसे हाथी आने चाह रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद इन दी एंड वो उस वृद्ध आश्रम के लिए लड़ेगा शायद से, तो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई बॉलीवुड में मैंने कोई मूवी देखी नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कूली नंबर वन नाम क्यों, वो पता नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया और मतलब इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। इसमें आइटम सॉन्ग कोई है नहीं और इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत भी थी, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहता है ना, स्टोरी लाइन स्ट्रांग रहती है, तो आइटम सॉन्ग वगैरह से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बाकी वैसे गाने सही हैं जिसमें हीरो हीरोइन ही है, डायलॉग्स भी इसमें बढ़िया बढ़िया बोले हुए हैं। सो दिस वाज अ गुड ट्रेलर मैन, इस ट्रेलर को तो थम्स अप बनता ही बनता है। और अगर आपको ये रिएक्शन ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लगता है कि आपका लाइक भी मेरे वीडियो पे बनता ही बनता है। तो मुझे मजा आ गया ट्रेलर देख के, इट वॉज अ गुड नाइस ट्रेलर, सीरियस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी है, थोड़ा बहुत कॉमेडी स्टार्टिंग में, बाद में वो सीरियस हो जाता है। सो आई मे बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम तो बार बार मिलते रहेंगे, सो बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव।